हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो यहाँ मैं आई हूँ इस मार्ट में शॉपिंग करने के लिए और कुछ मिठाइयाँ लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, हस्बैंड पूछ रहे कौन सी मिठाई हो, इधर से उधर देख रहे हैं मिठाइयाँ, इतनी तो भीड़ थी बहुत ज़्यादा। तो फाइनली हम लोगों ने मिठाई डिसाइड कर ली और मिठाई ले ली। मिठाई लेने के बाद फिर हम आए सदर मार्केट के लिए निकले। वहाँ से सदर मार्केट में जाके मैं हस्बैंड से साड़ी डाल के देख रही हूँ, हस्बैंड से पूछ रही हूँ कैसी लग रही कैसी नहीं लग रही। तो फ्रेंड्स, मार्केट से अभी मैं घर आ गई हूँ और बस पानी गर्म हो रहा, अभी नहाऊंगी। नहाने के बाद धनतेरस की पूजा करती हूँ, फिर मिलती हूँ ब्लॉग में आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं धनतेरस की पूजा की प्रिपरेशन कर रही थी, सारी चीज़ें तैयार कर रही थी, दिए और ये धूप बत्ती। फिर यहाँ पे मैंने कुबेर जी और धन्वंतरी जी की पूजा की, पानी छिड़का गंगा जल चारों तरफ से। फिर इनकी पूजा करने के बाद फिर तिलक करा, सारी जो भी होता है रीति रिवाज से सारी पूजा की। इनकी पूजा करने के बाद फिर मैंने दिए जलाए चार, एक चार मुंह का दिया जलाया है, एक दो का। फिर मैं मुझे फूल नहीं मिले थे तो फिर ये माला ले ली, क्योंकि कल बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से फूल नहीं मिले। तो फिर मैंने इनके लिए ये वाली माला ले ली थी मार्केट से, अच्छी लग रही थी बट ये माला भी। तो फिर यहाँ पे मैंने सारी पूजा करने के बाद दिए जलाए, दिए जलाने के बाद फिर आरती की। आरती करने के बाद फिर मैंने गेट पे दिए रखे, गेट पे दिए रखने के बाद धनतेरस की पूजा करने के बाद दिए को हम गेट पे रखते हैं। धनतेरस वाले दिन से ये दिए रखने शुरू हो जाते हैं, दो दिए ही रखे जाते हैं, आज भी रखे जाएंगे, कल भी छोटी दिवाली वाले दिन भी रखे जाएंगे। तो बस ब्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। बाय बाय, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ।